स्नो शूइंग के नेशनल्स हुए, आज ही वो ख़त्म हुआ और मेरा एक मेडल आया उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। जे एंड के गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और प्रमोशन वाइज भी ये बहुत अच्छा है, विंटर स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए भी बहुत अच्छा। मैं ऐसे तो मैं स्कीयर हूँ, मैं माउंटेन स्की करती हूँ और अल्पाइन स्की करती हूँ, बट मैंने ये भी ट्राई किया और मैंने देखा कि ये भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट आया। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी यूथ भी आए, बाकी लड़कियाँ भी इसको इसमें पार्ट ले, और ये अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अभी तक जब मैंने स्टार्ट किया था विंटर स्पोर्ट्स में खेलना, तो उस टाइम सिर्फ स्कीइंग एक मेन स्पोर्ट होता था। तो अब ये सारे स्पोर्ट्स आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया में पहले इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हमको और ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है इन बाकी फील्ड्स में भी, और जितना और पार्टिसिपेट हम करेंगे उतना हम आगे भी इंडिया का नाम रोशन कर पाएंगे, आगे भी क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे अभी आरिफ खान ने ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया इंडिया को एंड ही वाज़ द ओनली ओलंपियन। तो अगर हम और भी स्पोर्ट्स खेलते रहे और पार्टिसिपेट करते रहे तो मतलब आगे भी हम इंडिया में अलग इंडिया से अलग अलग इवेंट्स में पार्ट ले पाएंगे। इसमें मेरी थर्ड पोजीशन रही है। तो इस तरह के इवेंट्स तो मतलब बहुत ही कम होते हैं और इंडिया में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है इवेंट्स के बारे में, तो मेरे ख्याल से इंडिया में इसको और भी ज़्यादा फैलाना चाहिए हर एक स्टेट में, ताकि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इधर हो और लोगों को और भी इंजॉय करने का मौका मिले। यहाँ पे 6 नेशनल स्नो शूज किया है, ये एक बहुत ही अच्छी गेम है, मतलब इसमें सेफ है, इसमें कोई भी इंजरी होने की प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन किया, हमारा इवेंट फर्स्ट फेज पे भी हुआ, हमने गंडोला किया, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी गेम है। मैं चाहती हूँ कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, और मैं चाहती हूँ कि मतलब ये आगे भी। 6th नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप आज शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर जो है इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 11 स्टेट से आए हुए प्लेयर्स ने इसमें शिरकत की। तो आज जो यहां पर एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी यहां पर मुनक़िद हुई, तो कारकर्दगी करने वाले प्लेयर्स में भी इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर यहां पर जब हमने प्लेयरों से बात की तो उनका यही कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है आगे भी होने चाहिए, ताकि यहाँ जो भी सपोर्ट्स विंटर सपोर्ट्स लवर्स है कहीं ना कहीं जो इन्हें एक्सपोजर मिल सके और वो बूस्ट हो जाए, ताकि वो आगे जाके जो है नेशनल से लेकर इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके। आदिल डार, JK247 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK247 न्यूज़ और मैं नदीम। इस वक्त अगर हम बात करें, आज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जा रहा है और यहाँ पे अगर हम सोपोर की बात करें तो मेरे साथ बात करने के लिए है चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर जो कि नॉर्थ कश्मीर के हैं, इरफान साहब। इनसे मज़ीद जानते हैं कि आज के हवाले से जो आज इन्होंने यहाँ पे एक अवेयरनेस और एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था, तो इसके हवाले से इरफान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, आपका खैर मकदूम है सर। शुक्रिया सर। अगर हम आज की बात करें, जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे आप यहाँ पे आज यहाँ पे मनाया आपने और कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ पे हमने देखे आपने लगाए, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? जो आज का दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसमें जो पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है 21 मार्च को, इसमें एक तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें प्लांटेशन ड्राइव है या सेमिनार्स वगैरह होते हैं फॉरेस्ट के रिलेटेड। दूसरा इसमें अवेयरनेस जो बढ़ाने के लिए है लोगों के साथ उसमें जुड़ने के लिए उस प्रोग्राम में, तो उसमें कोशिश की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो जो एजेंसीज इसके साथ कनेक्टेड होते हैं फॉरेस्ट के साथ, तो वो प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे जेएंडके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जगह निंगली की जगह पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। ये एरिया आप देख सकते हो कि ये वुलर लेक का कैचमेंट भी है, तो वुलर लेक की कंजर्वेशन के लिए भी ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आज खुशी की बात है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स हैं यहाँ के, लोकल सिविल सोसाइटी, यहाँ के आम लोग, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बच्चे आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो ये एक खुशी की बात है कि लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और इन प्लांटेशन के प्रोग्राम्स में। सर, अगर हम देखें आए दिन अगर देखा जाए, ग्रीनरी जो है हमारे कश्मीर की खूबसूरती इसी से मानी जाती थी, लेकिन अगर हम देखें कटिंग के हवाले से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, और अगर हम देखें जो ग्रीनरी जो है आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रही है, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी कोशिश रहती है कि जो अगर हम देखें जो कटिंग के हवाले से केसेस सामने आ रहे हैं, या अगर हम देखें जो प्लांटेशन ड्राइव आपने स्टार्ट की है, क्या ये आप सर आगे फ्यूचर में भी आगे रखेंगे? जो आपके दो सवाल है, एक जो स्टेटस है जंगलात का अभी तहफ़ के रिलेटेड, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में हमारी जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है वो बहुत आला मियार की है। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या लोग है या आप मीडिया जैसे हैं, उसमें बहुत कमी आई है आज की डेट में। कहीं कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पर लोकल बंदा कोई डैमेज करता है,
तो डैमेज के रिलेटेड फॉरेस्ट में डैमेज जो है बहुत कम हो चुका है आज की डेट में। तो हाँ, पिछले कुछ टाइम पहले डैमेज हुए थे कुछ एरियाज में, पॉकेट्स में हुआ थे डैमेज, एरिया में डिफॉरेस्टेशन की गई थी, लेकिन फिर हमने डिपार्टमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक कंडी एरिया यहाँ पे है सोपोर में, उसमें डैमेज हुए थे, तो उसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कैंपा स्कीम में। एक और एरिया था बड़गाम में, तोस मैदान एरिया, उस साइड में भी काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुई थी पहले, तो उसमें भी स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है कैंपा में। शिपेन में भी ऐसे ही, तो ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब स्पेशल प्रोजेक्ट्स के थ्रू ट्रीट कर रहा है, जो हमें एक स्कीम चल रही है यहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। अगर आज की डेट में आप जाओगे फॉरेस्ट एरियाज़ में, जाओगे उन एरियाज़ में जहाँ पहले डैमेज हुआ करता था, आप देखोगे आज वहाँ के लोग ही जो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुई है, ज़बरदस्त कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुई है, उसमें आज लोग खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन फॉरेस्टों को। और इसमें फॉरेस्ट ने एक और चीज़ की है, इनोवेटिव चीज़, जैसे हमने ट्रैकिंग रूट्स खोले उन एरियाज़ में। तो ट्रैकिंग रूट्स खोलने से क्या हुआ कि वहाँ एक तो उन लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई कि फॉरेस्ट बचाना इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में अगर वो बचाएंगे तो लोग, टूरिस्ट आएंगे वहाँ पे, विजिटर्स आएंगे, उनसे उनको लाइवलीहुड जनरेट हो जाएगा। तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है, हमने 75 ट्रैकिंग रूट्स इस साल J&K में खोले। उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम है जैसे हर गांव हरियाली, तो ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है, जो विलेजेस हैं जहाँ पे कम्युनिटी लैंड अवेलेबल है, तो उसमें हम लोगों को, या फार्मर्स के पास अपना ज़मीन है, उनको हम फ्री सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो या सीड बॉल्स दे रहे हैं, तो वो अपने एरियाज में उनको लगा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का सिनेरियो बहुत अच्छा है, लोग जुड़ चुके हैं फॉरेस्ट के साथ, खुद वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट उनको। और दूसरा है कि डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो हमारा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट, ये आला मियार की हो। सर, अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जो कि अगर देखा जाए कि लोगों को आप कैसे अवेयर करें, कि ऐसे प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें जो आपने यहाँ पे आज इनिशिएटिव उठाया था, कि अगर हम रामपुरा राजपुरा की बात करें, काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, और अगर हम देखें पिछले साल भी आपने एक वहाँ पे एक पार्क का इनेकाद किया था, बहुत अच्छी पार्क है, वहाँ पे भी लोग अब जा रहे हैं और जो टूरिज़्म है वो उसमें बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर हम देखें लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? पार्क्स को रिलेटेड मैं थोड़ा पहले बताऊं कि एक तो हमने रामपुरा राजपुरा में एक इको पार्क, जिसका हमने नाम दिया माउंटेन इको पार्क करके बनाई है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस लोगों का आ रहा है, लोग वहां जाते हैं, उसमें नेचर एजुकेशन भी हम देते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं। दूसरा है, फिर हमने इसी के साथ साथ रफियाबाद एरिया में भी एक इको पार्क बनाई है कितने दर्जी में, गुंड दर्जी में, तो वो इस साल हम इनाग्रेट करेंगे। एक और हमने बनाई है बारामूला साइड में, बनकरा में भी। तो इन तीनों पार्क्स का जो हमारा ये थीम है वो यही है कि नेचर एजुकेशन और अवेयरनेस। जो मैसेज रहेगी हमारी आज के दिन में कि यही कि फॉरेस्ट जो है ये हम सब की एक हेरिटेज है, हम सब की हेरिटेज है, और इसमें हर एक का रोल बनता है, खाली उस डिपार्टमेंट का नहीं रोल बनता है जो इसके मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, बल्कि हर एक आम आदमी का भी रोल बनता है, और ये हर एक की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम अपने लेवल पे प्रोटेक्शन तो करते ही हैं जंगलात के, हम अपने लेवल पे पौधे लगाए जहाँ पे भी लैंड अवेलेबल है, ताकि जो हमारे सराउंडिंग से ये हेल्दी सराउंडिंग बने, ग्रीन कवर हमारा बढ़ जाए। थैंक यू। तो जिस तरह से आपको बताऊं कि आए दिन चोरियों का मामला जो है डोडा शहर के अंदर सामने निकल के आ रहा है, और कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने पहले हमने आपको दिखाया था वार्ड नंबर 12 के अंदर 2 दुकानों की चोरियां हुई थी, उसके बाद जो है अकरमाबाद रोड पे और जो हमारा RTO ऑफिस है वहां पे चोरियां हुई थी, अलग अलग लोकेशंस पे एक ही दिन में चोरियां हुई थी, मगर कल रात को यहां पे फिर से एक चोरी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, फौजी जनरल स्टोर, यहां पे चोरी हुई है, चोरी थोड़ा हटके हुई है, अलग तस्वीरें हैं, ये शटर नहीं खोला गया है, ताले नहीं तोड़े गए हैं, दीवार तोड़ी गई है जो इसकी बैक साइड है, वहां पे एक प्राइवेट स्कूल है, वहां से चोर आए हैं दीवार को तोड़ के, और अंदर से जितना भी सामान था, जो कुछ भी था, वो यहां से लेके जो है फरार हो गए हैं। अभी तक नहीं पता लग पाया कि किन लोगों ने ये चोरी की है, SSP डोडा यहां पे खुद आए थे, जो भी उनका अमला है जितना वो यहां पे आए थे, मगर बड़ी बात यह है कि जो दुकान आप देख सकते हैं, इस दुकान के ऊपर जो है एक पुलिस का पहरा रहता है, पुलिस यहां पे रहती है, मगर उसके बावजूद भी फिर यहाँ पे चोरी हुई। एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं आपको, और बड़ी बात ये बता रहे हैं कि पुलिस का पहरा होके भी यहाँ पे
चोरी का मामला जो है सामने निकल के आया। मेरे साथ वार्ड नंबर 12 के काउंसलर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या बताना चाहोगे, थोड़ा हटके तस्वीर है, दुकान को पिछली बैक साइड से तोड़ा गया है, आगे से नहीं खोला गया है, ताला नहीं तोड़ा गया है, और ये भी खबर है कि दुकान के ऊपर जो है पुलिस का पहरा रहता है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? आए दिन हम देख रहे हैं डोडा शहर के अंदर चोरी का मामला जो है सामने निकल के आ रहा है। देखिए आप देख लीजिए कि 5-6 महीने पहले आपने ही एक न्यूज़ दी थी, जो जब पहले यहाँ 4 दुकानदारों की चोरी हुई थी, अगर उस पर कार्रवाई की होती शायद आज ये बड़ी चोरी नहीं होती। ये बड़ी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है, क्योंकि दुकान के ऊपर जिस दुकान की चोरी हुई है उसके छत के ऊपर पुलिस की गारत है और ताला नहीं तोड़ा है। बाज़ेबता तौर पे एक पीछे जो शेड है उसका ताला तोड़कर उसके बाद दीवार तोड़ी गई है, दीवार तोड़ने के बाद चोर अंदर आया है, तो पुलिस कहाँ थी, पहली बात ये। दूसरी बात, जहाँ चोरी हुई है दुकान के ठीक 20-25 फुट की दूरी पे सीसी कैमरा पुलिस ने इंस्टॉल किया है, तो अगर इस जगह पर ये दुकानदार सेफ नहीं है, इसका माल सेफ नहीं है, तो मेरे वार्ड में, मेरे इस एरिया में जो हार्ट ऑफ टाउन है, यहाँ पे 3-4 बैंक की ब्रांचेज हैं, एटीएम लगे हैं, मंदिर बहुत बड़ा है उसका सेफ है, जामा मस्जिद है उसका सेफ है, वो सेफ कहाँ है और हम लोग सेफ कहाँ हैं? देखिए जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी चोरियां हुई, अगर उस पर कार्रवाई की गई होती, लगभग 4 लोकेशंस पे डोडा शहर के अंदर अलग अलग जगहों पे चोरियां की गई थी, और मुझे ये भी याद है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आई थी, कुछ लोग जो है वहां पे दिख भी रहे थे, उसके बावजूद भी पुलिस क्यों खामोशी बैठी हुई है? यही वजह है कि अगर उस पर उस वक्त कार्रवाई की होती शायद आज ये बड़ी चोरी नहीं होती। नंबर 1, नंबर 2, जो ड्रग पेल्डर हैं, जो ड्रग्स का काम करते हैं, चरस का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, या और भी कोई सोसाइटी में बुरा काम करता है, आम लोगों को उसके बारे में पता है कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्या एजेंसी को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता? ये फेलियर है पुलिस का, और हमें पूरा यकीन है, आज एसएसपी साहब नए आए हैं कि हमें पूरा यकीन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो चोरी को निकालेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ड्रग्स पे एक बहुत बड़ी लगाम एसएसपी डोडा की तरफ से लगाई गई है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या उम्मीद करेंगे आप आने वाले टाइम में किस तरह से उन चोरों को पकड़ा जाएगा और इस तरह की वारदातें सामने नहीं आएंगी? देख लीजिए पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे ठाठरी से डोडा से ड्रग पेल्डर को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया है, ये एक अच्छी कामयाबी है पुलिस के लिए, और हमें पूरा यकीन है एसएसपी साहब पर कि जो ये चोरी हुई है 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस चोरी को निकालेंगे। जिस तरह से हम शॉपकीपर से खास करके बातचीत करते हैं, उनका यही कहना होता है बहुत सारे टाइम दुकान बंद रही, कोविड रहा, पहले कमर टूट चुकी है, घर का सर्कल चलाना मुश्किल हो जाता है, बैंक की किस्तें देना मुश्किल हो जाता है, क्या बताना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर पुलिस की गारत रहती उसके बावजूद इस तरह के हालात, फिर लोग कहाँ पर सेफ हैं? नहीं देख लीजिए, ये खाली दुकानदार जो दुकान करता है उसके साथ एक सेल्समैन भी होता है, वो भी उसकी वजह से उसका चूल्हा भी जलता है उसी दुकानदार से। जब दुकानदार को कोई प्रेशर आता है, जब वो बैंक की किस्त नहीं दे सकता है, वो उस सेल्समैन की तनख्वाह कहाँ देगा? ये जितना भी प्रेशर पड़ता है, चाहे कोविड का प्रेशर पड़ा, या तो ये गाड़ी वाले पे पड़ा या दुकानदार पे पड़ा, अगर कभी हड़ताल होती है वो भी दुकानदार को पड़ती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें देखती नहीं कभी कि इनके लोगों के लोन माफ़ किए जाए या इनकी कुछ महीने की जो इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को देखना चाहिए कम अज़ कम, अगर आप ये खुद का पेट खुद अपने मेहनत करके कमाते हैं, अपना घर पालते हैं, कम अज़ कम अब ये जब चोर भी इनके पीछे लगेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इसके अलावा किस तरह की कंप्लेंट्स लोग आपके पास लेके आते हैं? काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 12 के बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आप पे हैं, इस तरह इस हवाले से क्या बताना चाहो, किस तरह की कंप्लेंट्स लोगों की आपके पास आती हैं? देखिए ये पिछले कुछ टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन सिविल लोगों के साथ बात करती थी, दुकानदारों को बुलाते थे, इनके साथ पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे लोग दुकानदारों को, वकीलों को, आम लोगों, सीनियर सिटीजन को बुलाते थे, आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग जब अपनी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते थे उसमें 5-10% पर काम होता था, तो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलता था लोगों को। पिछले 2-2.5 साल से वो सिलसिला ख़त्म हुआ है, या तो वो कोविड की वजह से है या एडमिनिस्ट्रेशन को फुर्सत नहीं है। हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों का तालमेल रहे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि हमारे पास क्या काम करने के लिए है, वो काम करें ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वार्ड नंबर 12 के काउंसलर आसिफ साहब हमसे बात कर रहे थे, और आज के मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, जिस तरह से कल रात को यहाँ पे चोरी हुई है। फिर से हम ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, 4G जनरल स्टोर, एक किरियाना शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे चोरी की गई है। और जब हमने शॉपकीपर से बात की, जो मालिक हैं इसके, उनका यही कहना था कि कल मुझे माल डालने के लिए जाना था और उससे पहले यहाँ पे चोरी हुई, एक बड़ी चोरी की गई है, और
चोरी का जो अंदाज है वो थोड़ा हटके है। दुकान की पिछली साइड एक प्राइवेट स्कूल है, वो दीवार तोड़ी गई है, वहाँ से जो है चोर अंदर घुसे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस यहाँ पे खुद पहुँची है, पुलिस का जितना अमला है यहाँ पे पहुँचा है और FSL की टीम भी यहाँ पे हम देख रहे थे सुबह पहुँची थी। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस जो है इस चोरी को सामने निकल के लाएगी। आप देखते रहे गुलिस्तानी, वसीम गत्तू, डोडा। 21 मार्च 2009 को कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हवलदार राकेश कुमार जी का आज 14वां शहीदी दिवस उनके सांबा के पैतृक गांव दुड़ुवी में मनाया गया। यहां पर तमाम उनके परिवार के सदस्यों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को याद किया और इस मौके पर तमाम गाँववासी भी मौजूद रहे जो कि नम आंखों में दिखे और वो यहाँ इस गाँव के शहीद बेटे की वीरगाथा को याद कर रहे थे। और उसी के साथ साथ तमाम सांबा के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे जिसमें DDC चेयरमैन केशवदत्त शर्मा और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सिलाथिया भी मौजूद थे और यहां पर उनकी वीर गाथा को याद किया। बताते चलें कि 21 मार्च 2009 को जब कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में एनकाउंटर चल रहा था और उसी एनकाउंटर में हमारे सांबा के दुड़ुई इलाके के हवलदार राकेश कुमार जी शहीद हुए थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे जो शूरवीर योद्धा जो अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं और अगर आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे शूरवीर योद्धाओं की वजह से सुरक्षित है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर जो है देश की रक्षा की है। और हमें इनको हमेशा याद करना चाहिए, हमें शहीदों को सम्मान देना चाहिए और जिस तरह से यहाँ पर शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उनके परिवार के सदस्यों द्वारा, तो हमने खुद देखा कि शहीद के पिताजी जो कि काफ़ी भावुक नज़र आए, शहीद की पत्नी काफ़ी भावुक नज़र आई और उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि तकलीफ़ तो होती है कि हमारे घर का एक मुखिया एक सदस्य चला गया, लेकिन फ़ख्र भी होता है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की खातिर दी है तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको बताते चलें कि जब भी हम कहीं ऐसे इलाकों में जाते हैं जब यहाँ कहीं शहीद को याद किया जाता है तो एक भावुक पल जो वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हमें हमेशा अपने शहीदों को सम्मान देना चाहिए। हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं शहीद हवलदार राकेश कुमार जी को जिनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, तो हम भी यही कहेंगे कि शहीद हवलदार राकेश कुमार जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।